हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडमी फॉर सीएससी। माय सेल्फ प्रणय। दोस्तों, आज का जो सेशन होगा वह 67वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा एवं सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित होगा। इसके अंतर्गत आज हम लोग बीपीएससी की पैटर्न पर आधारित 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यह जो हमारा सेशन होगा वह फुल लेंथ टेस्ट होगा, अर्थात इसमें सभी विषयों से प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आइए अब हम लोग प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न है, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन हैं? ऑप्शन ए है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन बी है प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी है आर्थिक कल्याण, ऑप्शन डी है तीव्र सामाजिक परिवर्तन और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, अर्थात एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान है? 131, 127, 129, 128, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, मानव विकास सूचकांक की यदि 2020 की बात किया जाए तो भारत को 131 स्थान प्राप्त हुआ है, अर्थात मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत 131वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? ऑप्शन ए है प्रोफेसर अमर्त सेन, ऑप्शन बी है महबूब उल हक, ऑप्शन सी है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम महबूब उल हक द्वारा तैयार किया गया था। महबूब उल हक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है कृषि क्षेत्र को, ऑप्शन बी है सेवा क्षेत्र को, ऑप्शन सी है औद्योगिक क्षेत्र को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? 60%, 80%, 70%, 45.8% या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, यदि भारत की आबादी की बात किया जाए तो लगभग 70% आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है, लेकिन यदि बिहार की बात किया जाए तो बिहार के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार बिहार की 75% लगभग आबादी कृषि एवं सहवर्ती उद्योग पर निर्भर है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यवसाय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है व्यापार एवं उद्योग, ऑप्शन बी है केवल व्यापार, ऑप्शन सी है वाणिज्य और उद्योग, ऑप्शन डी है व्यापार वाणिज्य और उद्योग, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, व्यवसाय के अंतर्गत व्यापार वाणिज्य और उद्योग तीनों आते हैं, अर्थात जो ऑप्शन नंबर डी है वह इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग, चमड़ा उद्योग, बर्तन निर्माण उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग हथकरघा उद्योग है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? 1948 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात प्रथम कृषि गणना 1970 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 13। तो फ्रेंड्स, यदि जीडीपी की बात किया जाए तो जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान विश्व में 5वां है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला है? ऑप्शन ए है दलहन, ऑप्शन बी है मक्का, ऑप्शन सी है तिलहन, ऑप्शन डी है सोयाबीन और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम दलहन क्षेत्र में देखने को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1995, ऑप्शन बी है 1998, ऑप्शन सी है 1945 और ऑप्शन डी है 1970, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक।
तो फ्रेंड्स ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ 1970 ईस्वी में, अर्थात जो ऑप्शन नंबर डी है वह इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य कौन है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स यदि भारत में सर्वाधिक संपत्ति वाला राज्य की बात किया जाए तो जो ऑप्शन नंबर बी है अर्थात महाराष्ट्र भारत में सर्वाधिक संपत्ति वाला राज्य है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए है मत्स्य पालन, ऑप्शन बी है नील की कृषि, ऑप्शन सी है मुर्गी पालन, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स यदि नीली क्रांति की बात करें तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में कॉफ़ी के उत्पादन में भारत का क्या स्थान है? चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात विश्व में कॉफ़ी के उत्पादन में भारत का स्थान छठा है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? कोऑपरेटिव बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स यदि भारत सरकार की केंद्रीय बैंक की बात करें तो जो आरबीआई है वह भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के अनुसार जल जीवन हरियाली योजना के तहत बने तालाबों की जिम्मेदारी अस्पताल में मरीजों को खाना देने तथा बेडशीट बदलने का कार्य अब किसे सौंपा गया है? ऑप्शन ए है प्राथमिक शिक्षकों को, ऑप्शन बी है विश्व बैंक को, ऑप्शन सी है जीविका को, ऑप्शन डी है नाबार्ड को, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात जीविका दीदी को अस्पताल में मरीजों को खाना देने, बेडशीट बदलने तथा तालाबों की जिम्मेदारी एवं जल जीवन हरियाली योजना की देखरेख का कार्य जीविका दीदी को सौंपा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार के मुंगेर जिले के असरगंज प्रखंड स्थित अमैया पंचायत के लाल बहादुर शास्त्री किसान विद्यालय में 7 जनवरी 2021 को कितने बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए? ऑप्शन ए में है एक शिक्षक, एक आदेशपाल तथा 21 स्कूली बच्चे। इसी प्रकार से इसमें 5 ऑप्शन दिया हुआ है, इन्हीं 5 ऑप्शन के आधार पर इस प्रश्न का आंसर को सेलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई अर्थात इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी गूगल ने सुल्तानगंज की किस छात्रा को 60 लाख रुपए के पैकेज से सम्मानित किया है? इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो पहला नंबर ऑप्शन है वह है श्रेया पंडित, ऑप्शन बी में है शालिनी झा, ऑप्शन सी में है प्रियंका कुमारी, ऑप्शन डी में है भावना कंठ, और ऑप्शन ई में है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात शालिनी झा को गूगल ने 60 लाख का एनुअल पैकेज दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के बिहार राज्य को मक्का के सर्वश्रेष्ठ उत्पादन में अब तक कितनी बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स अब तक बिहार को मक्का के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के लिए 2 बार कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 2 बार। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार कृषि विभाग के अनुसार किस अमेरिकी कीट से बिहार के किसानों को हाल ही में सतर्क किया गया है? ऑप्शन ए में है ड्रैगन फ्लाई, ऑप्शन बी में है फॉल आर्मी बर्म, ऑप्शन सी में है टीटी, ऑप्शन डी में है ब्लू मॉर्मोन, ऑप्शन ई में है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात फॉल आर्मी बॉर्म। नेक्स्ट प्रश्न है, सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए में है सिमुक, ऑप्शन बी में है गौतमीपुत्र सतकर्णी, ऑप्शन सी में है न्यायदेव, ऑप्शन डी है भागदत्त, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किसके स्थान पर बनाया गया?
ऑप्शन ए है रामायण मंदिर, ऑप्शन बी है संस्कृत विद्यालय, ऑप्शन सी है सामुदायिक भवन, ऑप्शन डी है जंगलों को उजाड़ कर, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात संस्कृत विद्यालय के स्थान पर अजमेर में ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा बाजार विनिमय प्रणाली प्रारंभ की गई, शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, टोडरमल, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार विनिमय प्रणाली को प्रारंभ किया। नेक्स्ट प्रश्न है इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है बाबर, ऑप्शन डी है खिज्र खान और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स यदि इब्न बतूता की बात करें तो हम मुरक्को का निवासी था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था, लोदी, सैयद, गुलाम, तुगलक, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स यदि दिल्ली सल्तनत की वंश की बात करें तो सबसे पहला जो वंश था वह था गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश हुआ, उसके बाद तुगलक वंश हुआ, उसके बाद सैयद वंश हुआ और उसके बाद लोदी वंश हुआ। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात लोदी वंश। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर निम्न में से कौन थे, फ्रांसिस्को दी अल्मोडा, अल्फांसो दी अल्बुकर्क, काउंट दी लाली, मैनुअल एंटोनियो, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात अल्फांसो दी अल्बुकर्क भारत में प्रसिद्ध पुर्तगाली गवर्नर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अंग्रेजों को भारत में राजनीतिक शक्ति किस युद्ध के बाद प्राप्त हुई, ऑप्शन ए है बक्सर का युद्ध, ऑप्शन बी है खानवा का युद्ध, ऑप्शन सी है कानपुर का युद्ध, ऑप्शन डी है प्लासी का युद्ध और ऑप्शन ई में है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स यदि भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति की बात करें तो प्लासी का युद्ध जो कि 1757 ईस्वी में हुआ था उस युद्ध में अंग्रेजों की विजय होने के बाद भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुई। नेक्स्ट प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में आज समाज की स्थापना किस स्थान पर किया गया, केरल, मदुरै, कलकत्ता, मुंबई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में आज समाज की स्थापना मुंबई में की गई। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस आयोग के द्वारा सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर सुझाव दिया गया, ऑप्शन ए है मैकाले आयोग, ऑप्शन बी है चार्ल्स आयोग, ऑप्शन सी है मंडल आयोग, ऑप्शन डी है बीपी मंडल आयोग और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात चार्ल्स आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है नए भारत का पैगंबर निम्न में से किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी को, राजा राम मोहन राय को, स्वामी विवेकानंद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात नए भारत का पैगंबर राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था, ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स आप लोग सभी जानते होंगे कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने कहा था अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, ऑप्शन ए है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी है वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स यदि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में पहली बार 1853 ईस्वी में रेल यात्रा कहाँ प्रारंभ की गई, इसमें भी पांच ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं पांच ऑप्शन के आधार पर इस प्रश्न का आंसर को सिलेक्ट करना है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात भारत में पहली बार 1853 ईस्वी में रेल यात्रा मुंबई में प्रारंभ की गई थी जो कि मुख्य रूप से बॉम्बे से थाने तक चली थी।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, अब्दुल कलाम आज़ाद, सुचिता कृपलानी और जॉन मथाई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, यदि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष की बात किया जाए तो 1947 ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं जेबी कृपलानी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट किसके शासनकाल में लागू किया गया था? ऑप्शन ए है वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड और ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। तो फ्रेंड्स, यदि 1919 की बात किया जाए तो 1919 ईस्वी में भारत के जो गवर्नर जनरल रहे हैं वह लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए है अखंड भारत, ऑप्शन बी है स्वराज पार्टी, ऑप्शन सी है हितकारिणी सभा, ऑप्शन डी है अभिनव भारत और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, जो मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास थे इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात स्वराज पार्टी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है? राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर जो बी है अर्थात गृह मंत्रालय द्वारा भारत में लोगों को नागरिकता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किसका उल्लेख किया गया है? इसमें भी पांच ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं पांच ऑप्शन के आधार पर इस प्रश्न का आंसर को सिलेक्ट करना है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई अर्थात हमारे संविधान की प्रस्तावना में ऑप्शन नंबर ए अर्थात न्याय, ऑप्शन नंबर सी प्रतिष्ठा की समानता को शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई अर्थात एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों को स्पष्ट करता है? भाग एक, भाग दो, भाग तीन, भाग चार, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात भारतीय संविधान के भाग दो में नागरिकता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्न में से कौन विधिक अधिकार बन गया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बना दिया गया। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 234, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात जो आर्टिकल 17 है, अनुच्छेद 17 है, वह अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किस परिस्थिति में किया जा सकता है? इसमें भी पांच ऑप्शन दिए हुए हैं, जो पहला ऑप्शन है वह है वित्तीय आपातकाल के दौरान, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति शासन के दौरान, ऑप्शन डी है निलंबित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, यदि मौलिक अधिकारों के निलंबन की बात किया जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अर्थात जो ऑप्शन नंबर बी है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी व्यक्ति कार्यरत ना हो तो उनके स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य कर सकते हैं? इसमें भी पांच ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में इनका कार्यभार भारत के मुख्य न्यायाधीश संचालित करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात भारत का मुख्य न्यायाधीश। और यदि इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि अब तक सिर्फ एक बार जो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उस स्थिति में जो तत्कालीन समय में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्ला, उन्होंने राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य किए थे।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है कोरोमंडल, ऑप्शन बी है कोंकण तट, ऑप्शन सी है मालाबार तट, ऑप्शन डी है कर्नाटक तट। तो फ्रेंड्स देखिए, यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात कोंकण तट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से भारत के किस राज्य को भारत का संरक्षित राज्य कहा जाता है? ऑप्शन ए है नागालैंड को, ऑप्शन बी है उत्तराखंड को, ऑप्शन सी है सिक्किम को, ऑप्शन डी है मिजोरम को। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात सिक्किम को भारत का संरक्षित राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के तीन तरफ बांग्लादेश की सीमा है? अर्थात फ्रेंड्स यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीन ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात भारत का जो त्रिपुरा राज्य है वह एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीन तरफ से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात त्रिपुरा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात आंध्र प्रदेश की सीमा भारत में सर्वाधिक लंबी है। और यदि तटीय रेखा वाले राज्य की बात किया जाए तो भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो कि तटीय रेखा वाले राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का अभिशाप किस नदी को कहा जाता है? कोसी, कर्मनासा, गंडक, सोन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स बिहार का अभिशाप कोसी नदी को कहा जाता है अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए कोसी नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, असम, गोवा, गुजरात, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स देखिए, यह जो संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, यह असम राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात असम। नेक्स्ट जो 50वां नंबर प्रश्न है वह है, भारत में 1936 ईस्वी में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया था? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी जैविक उद्यान, हेली राष्ट्रीय उद्यान, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, असम, केरल, मणिपुर। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात भारत में शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रिजन डायरी के लेखक हैं? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात प्रिजन डायरी पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे पहली बार 1852 ईस्वी में किसने डाक टिकट को प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी है लॉर्ड बिलिंगटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात भारत में लॉर्ड डलहौजी ने सर्वप्रथम डाक टिकट को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ऑप्शन बी है गंगा डेल्टा, ऑप्शन सी है सुंदरबन डेल्टा, ऑप्शन डी है नर्मदा डेल्टा और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स देखिए, यह जो प्रश्न है कि कौन सा डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई अर्थात उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा ही मिलकर सुंदरबन डेल्टा कहलाती है। अर्थात जो ऑप्शन नंबर ए बी एवं सी तीनों है इस प्रश्न का सही आंसर है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन हो जाए सही हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई अर्थात उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वह है यश भारती, यश रत्न, यश रत्न भारती, रत्न भारती, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स यदि उत्तर भारत के सर्वोच्च पुरस्कार की बात किया जाए तो जो ऑप्शन नंबर ए है अर्थात यश भारती पुरस्कार उत्तर भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्न में से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, बलवंत राय मेहता या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात बलवंत राय मेहता ने भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कहाँ किया गया? नागौर राजस्थान, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, पुणे महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ सामुदायिक विकास कार्यक्रम के रूप में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत कब की गई? 2 अक्टूबर 1953, 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1955। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो कि होगा 2 अक्टूबर 1952 को भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल वर्षा में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती हैं? ऑप्शन ए है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी है फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन डी है टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, अर्थात उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, एलनीनो क्या है? इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं 5 ऑप्शन के आधार पर इस प्रश्न का आंसर को सिलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे कि यह जो एलनीनो है एक गर्म समुद्री जलधारा है, एक गर्म जलधारा है एलनीनो। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात उष्ण समुद्री धारा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होता है? इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए में है 0, ऑप्शन डी बी है निर्णय नहीं किया जा सकता, ऑप्शन सी है जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम, ऑप्शन डी है जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राजकोषीय नीति कौन तय करता है? ऑप्शन ए है गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी है श्रम मंत्रालय, ऑप्शन सी है वित्त आयोग, और ऑप्शन डी है योजना आयोग, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात भारत में राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में देखा गया? इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं 5 ऑप्शन के आधार पर इस प्रश्न का सही उत्तर को सिलेक्ट करना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात गेहूं के क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, उद्योग कर्मियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या कौन प्रतिपादित करता है? नीति आयोग, श्रम ब्यूरो, कृषि विभाग, नाबार्ड, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। यदि नाबार्ड की बात किया जाए तो नाबार्ड की जो स्थापना की गई थी वह शिवरमन समिति की सिफारिश के आधार पर नाबार्ड की स्थापना किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात श्रम ब्यूरो। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत कौन सा है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, चुंगी कर, आयकर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी किसके आधार पर निर्धारित की जाती है? थोक मूल्य सूचकांक, बैंकों की मूल उधार दर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज सूचकांक, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत जो कार्यरत श्रमिक हैं उनको वेतन दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई है? वृद्धावस्था पेंशन योजना, भारत निर्माण योजना, जीवन तरंग, स्वच्छ जल योजना, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई।
नेक्स्ट प्रश्न है, मिश्रित आय, पेंशन और वितरित लाभ में से राष्ट्रीय आय का आकलन करने समय निम्न में से किसको शामिल नहीं किया जाता है। इसमें भी पांच ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं पांचों ऑप्शन के आधार पर इस प्रश्न का आंसर को सिलेक्ट करना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पेंशन को राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय उसमें शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सियाचिन जाने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री कौन था? नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सियाचिन जाने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को नाम किसकी सप्तवार्षिकी को संबोधित करता है? महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, जवाहरलाल नेहरू, अमित शाह, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है, एक डिग्री केल्विन किसके मान के बराबर होता है? -273 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, यदि एक डिग्री केल्विन की बात किया जाए तो वह -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, कमरे के तापमान पर कौन सी वस्तु तरल अवस्था में पाई जाती है? कैडमियम, रेडियम, पारा, पिंच ब्लेड, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कमरे के तापमान पर पारा वस्तु तरल अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है जब? ऑप्शन ए है, प्रकाश पानी से होकर कांच में जाता है। ऑप्शन बी है, प्रकाश कांच से होकर पानी में जाता है। ऑप्शन सी है, जब प्रकाश पहले कांच फिर पानी और उसके बाद फिर वायु में जाता है। ऑप्शन डी है, जब प्रकाश पहले पानी उसके बाद वायु उसके बाद कांच में जाता है। और ऑप्शन ई है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात पूर्ण आंतरिक परिवर्तन उस समय नहीं होता है जब प्रकाश पानी से होकर कांच में जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के मैदानी भागों में स्थित गाँव प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत तब आएंगे यदि उस गाँव की जनसंख्या कितने से अधिक होगी? ध्यान दीजिएगा, यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि भारत के मैदानी भागों में, तो यह जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसके अंतर्गत दो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट शामिल है, पहला कह रहा है ग्रामीण क्षेत्र के मैदानी भागों में और दूसरा है पहाड़ी भागों में। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यदि मैदानी क्षेत्रों में किसी गाँव की जनसंख्या 1000 से अधिक है तो वह गाँव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत शामिल होगा। और यदि पहाड़ी क्षेत्र की बात किया जाए तो यदि पहाड़ी क्षेत्र में किसी गाँव की जनसंख्या 500 से अधिक है, अर्थात एक गाँव में यदि 500 से अधिक लोग रहते हैं तो वह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वह गाँव शामिल होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर उगाई जाने वाली कौन सी फसल है? मक्का, सरसों, चावल, जूट, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर उगाई जाने वाली फसल चावल है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड निम्न में से किससे संबंधित है? बाढ़ नियंत्रण, दुग्ध उत्पादन, तालाब निर्माण, नहर सुरक्षा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और इससे संबंधित जो व्यक्ति हैं उनका नाम है वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसके लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है? लोहा निर्माण, एल्युमिनियम उद्योग, तांबा, चांदी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो राजस्थान का खेतड़ी क्षेत्र है वह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का क्या नाम है? बेतवा नहर, इंदिरा गांधी नहर, सोन नहर, शारदा नहर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी अर्थात भारत का जो सर्वाधिक बड़ी सिंचाई नहर है उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट प्रश्न है, जल विद्युत केंद्र में टरबाइन किसके द्वारा चलाई जाती है? कोयला द्वारा, बिजली द्वारा, पानी के बहने से, हाथ द्वारा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात जो जल विद्युत केंद्र में जो टरबाइन लगा होता है वह पानी के बहने से टरबाइन घूमता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में लिंगानुपात का निर्धारण कैसे किया जाता है? इसमें भी पांच ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं पांचों ऑप्शन के आधार पर इस प्रश्न का सही आंसर को सिलेक्ट करना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या जितनी होगी वह भारत में लिंगानुपात होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य की सबसे बाहरी परत को किस नाम से जाना जाता है? क्रेटर, क्रेकर, किरीट, कोरोना, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट प्रश्न है, एक रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस देश में मुस्लिमों की संख्या सर्वाधिक है? मलेशिया, सऊदी अरब, भारत और इंडोनेशिया। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात निम्न में से अर्थात इन चारों देशों में से भारत मुस्लिमों की सर्वाधिक संख्या इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? देखिए यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि विश्व में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है। इसमें पांच ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है चाइना, तीसरा ऑप्शन है ब्राज़ील, चौथा ऑप्शन है अमेरिका और जो पाँचवा नंबर ऑप्शन है वह है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात ब्राज़ील। नेक्स्ट प्रश्न है, थर्म किसका यूनिट है? ऊर्जा का, ऊष्मा का, तापमान का या क्वथनांक का? और जो ऑप्शन नंबर ई है वह इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात ऊष्मा का। जो थर्म किसका यूनिट है तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात ऊष्मा का यूनिट है थर्म। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? अनिलन के कारण, ध्रुवन के कारण, प्रकाश अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी अर्थात ध्रुवन के कारण जो समुद्र की सीपी है वह सुनहरी दिखाई देती है। नेक्स्ट प्रश्न है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसमें भी पांच ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं पांचों ऑप्शन के आधार पर इस प्रश्न का सही आंसर को सेलेक्ट करना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात यह जो फाउंटेन पेन है वह केशिका की क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया? तो टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा किया गया अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी बिजली की स्थिति को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा, लोहा, टंगस्टन, नाइक्रोम, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी अर्थात बिजली की आयरन को गर्म करने के लिए नाइक्रोम धातु का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कपड़े तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले डिटर्जेंट में क्या शामिल होता है? सोडियम क्लोराइड, सल्फोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी अर्थात सल्फोनेट। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा किया गया? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेगुरेल के द्वारा किया गया अर्थात जो ऑप्शन नंबर ए है वह इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, विरंजक चूर्ण तैयार करते समय प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? मीथेन, हीलियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात विरंजक चूर्ण का निर्माण करते समय हम लोग क्लोरीन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि? ऑप्शन जो ए है वह कह रहा है रात के समय पेड़ पर नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ऑप्शन बी है वह है रात के समय पेड़ CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। और जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसी के जस्ट उल्टा है अर्थात रात के समय पेड़ ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं
और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और जो ऑप्शन नंबर डी है वह है टहनी टूटकर शरीर पर गिरने के डर से। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात रात के समय जो वृक्ष हैं, अर्थात रात के समय पेड़ ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, तंबाकू में किसकी उपस्थिति के कारण उसका धुआं स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक माना जाता है? निकोटीन, कैफीन, केरोटीन और रेनिन। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात तंबाकू में निकोटीन की उपस्थिति के कारण उसका धुआं स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? जेनेवा, वियना, पेरिस, न्यूयॉर्क, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में स्थित है, अर्थात जो ऑप्शन नंबर बी है वह इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, वंदे मातरम निम्न में से किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? अर्थात यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि किस राष्ट्रीय आंदोलन में वंदे मातरम को गाया गया था? स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम सर्वाधिक प्रसिद्ध गीत था। नेक्स्ट प्रश्न है, वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1937 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में, 1944 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंतर्गत ही एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन है? तो इस प्रश्न में भी पांच ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं पांचों ऑप्शन के आधार पर इस प्रश्न का जो सही आंसर है उसे सिलेक्ट करना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात हृदय की धड़कनों को उत्तेजित करने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली का प्रथम प्रतिनिधि नियुक्त किया? बलबन, बाबर, इल्तुतमिश, अकबर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इल्तुतमिश ने बिहार में मलिक अलाउद्दीन जानी को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष तुगलक सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने बिहार का शासन ख्वाजा जहाँ को सौंपा? 1294, 1394, 1345, 1494। तो जो ऑप्शन नंबर बी है अर्थात 1394 ईस्वी में सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने बिहार का शासन ख्वाजा जहां को सौंपा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1394 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, बल्लाल सेन का कौन सा अभिलेख पूर्वी बिहार में सेनों के प्रसार का साक्ष्य बना? सनोखर अभिलेख, बोधगया अभिलेख, भाभुआ अभिलेख, बेदीवन अभिलेख, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो ऑप्शन नंबर ए है अर्थात सनोखर अभिलेख इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो वह है 1556-57 ईस्वी में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वत्ता के पुरस्कार स्वरूप उसे मिथिला का राज सौंप दिया? शिव सिंह, हरि सिंह, महेश ठाकुर, राजा मान सिंह, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो ऑप्शन नंबर सी है अर्थात महेश ठाकुर को। नेक्स्ट प्रश्न है, शेर खां के पिता हसन खां कहाँ के जागीरदार थे? वैशाली, दरभंगा, सासाराम, बिहार शरीफ, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि शेर शाह जो है वो सासाराम से संबंधित थे, अर्थात जो उनके पिता हसन खां थे वह सासाराम क्षेत्र के जागीरदार थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था? जलाल खान नुहानी, मोहम्मद शाह नुहानी, दौलत खान लोदी, दरिया खान नुहानी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मोहम्मद शाह नुहानी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हो गया? मामलुक वंश के काल में, खिलजी युग में, तुगलक काल में या लोदी वंश में? ऑप्शन नंबर जो ई है वह है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात तुगलक काल में।
नेक्स्ट प्रश्न है, इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिंहासन पर बैठने के बाद बिहार पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर बिहार का शासक किसको प्रदान किया? याना नतून को, तुगान खां को, मलिक बया को, ख्वाजा जहां को, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो फ्रेंड्स, यदि इल्तुतमिश की बात किया जाए तो उसने याना नतून को बिहार का शासक नियुक्त किया, अर्थात इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तबकाते नासरी, अकबरनामा, तुजुके बाबरी, वाकियाते मुस्ताकी, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात तबकाते नासरी के माध्यम से बिहार के बारे में सर्वप्रथम जानकारी हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने 1495-96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? इब्राहिम लोदी को, हसन खां को, बहार खां नुहानी को, या दरिया खां नुहानी को? ऑप्शन नंबर जो ई है वह है इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सिकंदर लोदी ने 1495-96 ईस्वी में दरिया खां नुहानी को बिहार का प्रभारी नियुक्त किया। नेक्स्ट प्रश्न है, शेर शाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना से हमें प्राप्त होती है? आलमगीरनामा, बादशाहनामा, वाकियाते मुस्ताकी, तारीख़े दाऊदी, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो जो ऑप्शन नंबर डी है, तारीख़े दाऊदी में इस जो प्रश्न है उसका आंसर है, यथार्थ जो ऑप्शन नंबर डी है वह इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? शेर शाह, अलाउद्दीन हुसैन शाह, इब्राहिम लोदी, राजकुमार अजीम, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात शेर शाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की विशालतम बैरियर रीफ प्रणाली कहाँ स्थित है? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई तट, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई तट, उत्तरी ऑस्ट्रेलियाई तट, दक्षिणी ऑस्ट्रेलियाई तट, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो फ्रेंड्स, यह जो बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ, वह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। 114वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया है? बिहार, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात छत्तीसगढ़ की सरकार ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्देश जारी किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में जनजातीय कल्याण विभाग का नाम परिवर्तित करके जनजातीय कार्य विभाग कर दिया गया? बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो जो ऑप्शन नंबर डी है, अर्थात मध्य प्रदेश की सरकार ने जनजातीय कल्याण विभाग का नाम परिवर्तित कर जनजातीय कार्य विभाग कर दिया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, चुनाव आयोग ने हाल ही में किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? सोनू सूद, आमिर खान, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो फ्रेंड्स, जो ऑप्शन नंबर ए है, अर्थात सोनू सूद को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने रिकॉर्ड 7वीं बार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं 5 ऑप्शन के आधार पर जो इस प्रश्न का सही आंसर को सिलेक्ट करना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात नीतीश कुमार बिहार में 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इंग्लैंड क्रिकेट टीम 16 साल के बाद पहली बार 2021 ईस्वी में किस देश के दौरे पर जाने वाली है? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, आयरलैंड। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेकिन हाल ही में न्यूजीलैंड द्वारा पाकिस्तान के दौरे को रद्द किए जाने के बाद इंग्लैंड की सरकार ने भी पाकिस्तान के दौरे को रद्द कर दिया है। लेकिन यह जो प्रश्न है, उस प्रश्न के आधार पर हमारा जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी निकल कर आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 1 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात RBI ने पंजाब नेशनल बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पुडुचेरी के पूर्व उपराज्यपाल और किस राज्य की पहली महिला सांसद चंद्रावती का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया?
बिहार, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात हरियाणा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं पांचों ऑप्शन के आधार पर इस प्रश्न को सही आंसर को सिलेक्ट करिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 वैक्सीन की अग्रिम खरीद के लिए 10 करोड़ डॉलर आवंटित किए हैं। भारत, जापान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का यदि आंसर की बात करें तो वह है ऑप्शन नंबर डी अर्थात पाकिस्तान ने कोविड-19 वैक्सीन की अग्रिम खरीद के लिए 10 करोड़ डॉलर रुपए आवंटित किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के परभनी जिले में एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल खोला जाएगा। ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है नागालैंड, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र और जो ऑप्शन ई है वह है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी अर्थात महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में ए प्रोमिस्ड लैंड नामक पुस्तक का विमोचन किया है। बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडन, जॉर्ज बुश, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात बराक ओबामा ने ए प्रोमिस्ड लैंड नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का फैसला किया है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए अर्थात मध्य प्रदेश की सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट का गठन करने का फैसला किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में फीफा ने किस देश में होने वाले अंडर-17 महिला विश्व कप को कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया है। चाइना, इंडिया, जापान, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी अर्थात भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में स्पेस एक्स ने नासा के लिए पहली पूर्ण व्यावसायिक उड़ान से कितने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा। ऑप्शन नंबर जो ये है वह है 4, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 2, ऑप्शन डी में है 1 और ऑप्शन ई में है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात 4। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीत लिया है। जॉन कैरी, जॉन रसिकन, रिचर्ड निक्स, डस्टिन जॉनसन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी अर्थात डस्टिन जॉनसन। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई तैराक सायना जैक पर डोपिंग का दोषी पाए जाने के कारण कितने वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात उनके ऊपर 2 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस दिन मनाया जाता है। 12 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर, 19 नवंबर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की कितनी कंपनियों में अमेरिकी निवेश को प्रतिबंधित करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए अर्थात 31 कंपनियों पर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। वर्ल्ड बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, शंघाई सहयोग संगठन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत से 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता प्राप्त की। बांग्लादेश, जिबूती, अर्जेंटीना और मालदीव।
तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी अर्थात जिबूती। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति ने परमाणु निशस्त्रीकरण पर भारत द्वारा प्रस्तुत कितने प्रस्तावों को स्वीकार किया है? 1, 2, 3, 4। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी अर्थात 2 प्रस्तावों को। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व वन जीव कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 ईस्वी तक भारत के कितने शहरों में पानी का संकट उत्पन्न होगा? 20, 30, 40, 55। तो जो ऑप्शन नंबर बी है अर्थात भारत के 30 शहरों में वर्ष 2050 ईस्वी तक विश्व वन जीव कोष के अनुसार पानी का संकट उत्पन्न होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 57 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की घोषणा की है? बिहार, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो ऑप्शन नंबर डी है अर्थात महाराष्ट्र की सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 57 करोड़ रुपए की विशेष पैकेज की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने स्पंज आयरन और स्टील क्षेत्र में निवेश के लिए एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है? सिक्किम, मिजोरम, छत्तीसगढ़, बिहार, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात छत्तीसगढ़ की सरकार ने। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस बैंक ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अपने लाभ में 52% की वृद्धि दर्ज की? ऑप्शन नंबर ए है SBI, ऑप्शन नंबर बी है एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर सी है सेंट्रल बैंक, ऑप्शन नंबर डी है बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है हमारा भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में भारत ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए किस राष्ट्र के साथ सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है? रूस, जापान, स्पेन, चीन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात जापान की सरकार के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने किसे नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी अर्थात थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने को नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नेपाली सेना के गवर्नर के मानद रैंक से सम्मानित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है ओपन ईरा में 1000 मैच की जीत दर्ज करने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी हाल ही में कौन बने हैं? ऑप्शन ए है राफेल नडाल, ऑप्शन बी है मारिया सारापोवा, ऑप्शन सी है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन डी है रोजर फेडरर, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए अर्थात राफेल नडाल। 142वां नंबर प्रश्न है लॉकडाउन अवधि के दौरान राजस्थान के बाद किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाया? बिहार, दिल्ली, असम, जम्मू कश्मीर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो राजस्थान के बाद लॉकडाउन की अवधि में दिल्ली की सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाया अर्थात इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 4 नवंबर, 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स यदि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम बिहार प्रादेशिक सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 1905, 1906, 1908, 1909 ईस्वी। तो जो 1908 ईस्वी में बिहार में प्रथम प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था अर्थात जो ऑप्शन नंबर सी है वह इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा प्रारंभ हुई थी? स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो फ्रेंड्स यदि बिहार में मुठिया प्रथा की बात किया जाए तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में मुठिया प्रथा प्रचलित थी अर्थात जो ऑप्शन नंबर सी है वह इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है पटना कलम संबंधित है ऑप्शन ए है
पत्रकारिता से, ऑप्शन बी है चित्रकला से, ऑप्शन सी है संगीत से, ऑप्शन डी है लोक आस्था से और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स यदि पटना कलम की बात किया जाए तो आप लोग सभी जनरल स्टडीज मेंस का पेपर वन के अंतर्गत जब हिस्ट्री की अध्ययन करते होंगे तो उसमें आर्ट एंड कल्चर में पटना कलम पढ़ना है। तो यह जो पटना कलम की बात किया जाए तो पटना कलम चित्रकला से संबंधित है अर्थात जो ऑप्शन नंबर बी है वह इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न क्या था। नमक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, सांप्रदायिक सत्याग्रह, विधान परिषद में प्रवेश। ऑप्शन नंबर जो ई है वह इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात विधान परिषद में प्रवेश। नेक्स्ट प्रश्न है 1923 ईस्वी के चुनावों में बिहार में स्वराज पार्टी ने विधान परिषद में कितनी सीटें प्राप्त की थी। 10, 8, 6, 4 इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात 10 सीटें बिहार में स्वराज पार्टी को 1923 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 6 फरवरी 1921 ईस्वी को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया। राजेंद्र प्रसाद ने, महात्मा गांधी ने, ब्रज किशोर प्रसाद ने, मजहरुल हक ने, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी अर्थात महात्मा गांधी ने 6 फरवरी 1921 ईस्वी को पटना में बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किया। नेक्स्ट प्रश्न है बख्तियार खिलजी के शव को कहाँ दफनाया गया। लखनौती, बिहार शरीफ, मुंगेर, राजगीर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स जो इस यह प्रश्न है इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात बख्तियार खिलजी के प्रश्न को बख्तियार खिलजी के शव को बिहार शरीफ में दफनाया गया। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज का जो हमारा 150 प्रश्नों का सीरीज था वह समाप्त हुआ। धन्यवाद।